सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बिटवीन जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी कॉमन फॉर्म आ जाती है अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स इनके अंदर ये ग्रुप हैं। ये क्या हैं? ग्रुप हैं। ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप है अल्केन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एंड जिसकी जनरल टर्म जो जनरल फार्मूला होता है इनका वो होता है CnH2n+2। अब ये कैसे आया फार्मूला? सो ये आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं एंड उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। हमने सारों को देखा, उनके कोई चीज़ कॉमन देखी कि हाइड्रोजन किस तरीके कार से बढ़ रहा है और कार्बन हर स्टेप में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो उस चेंज को हमने एक जनरल फॉर्म के अंदर दे दिया कि हम एन की वैल्यू रखें और हमें आंसर्स मिल जाएं। तो क्या है? ऑल कार्बन एटम्स, सारे के सारे जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बिटवीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए। दिस इज द मेन स्टेटमेंट फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, नो डबल बॉन्ड। ठीक है, नो डबल बॉन्ड, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं हो इनके बिटवीन। अगर ये बॉन्ड पाया जा रहा है तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है अल्केन्स को अल्केन्स में एंड साइक्लो अल्केन्स के अंदर। ठीक है, अब अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, अल्केन नॉर्मल है, साइक्लो अल्केन साइकिल के अंदर उनकी चेंज होती हैं। ठीक है, सैचुरेटेड ये होते हैं अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, सो ये एन ब्यूटेन है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन। नॉर्मल ब्यूटेन या आइसो ब्यूटेन है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। नियो पेंटेन, ठीक है, पांच कार्बन है, इस वजह से इसको हम नियो पेंटेन कह रहे हैं। नियो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तीन मुंह वाली बला बन रही है, यानी तीन कॉर्नर्स आखिरी मिल रहे हैं हमें कार्बन पे। ओके, हमें तीन रास्ते मिल रहे हैं, डेट वाई दिस इज कॉल्ड एज नियो। ओके, देन इट कम्स टू साइक्लो, इसको कहते हैं साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो क्यों? हमें पता नहीं है पहला या आखिरी कार्बन कौन सा है। देखें, इन दिस केस, इस वाले केस के अंदर या तो ये पहला कार्बन है या तो ये पहला कार्बन है। ठीक है, या तो ये पहला कार्बन होगा ये लास्ट होगा, या ये केस होगा ये पहला होगा ये लास्ट होगा, ये दोनों नहीं हो सकते पहला या लास्ट। लेकिन इसके अंदर ये सीन है, या तो ये पहला है या तो ये पहला है या तो ये पहला है। हमें जब पहला ही नहीं पता, लास्ट कैसे पता होगा? तो डेट्स वाई साइकिल के अंदर है, हमें पता नहीं कि फर्स्ट कौन सा है या चेंज कहाँ भी जाके टर्मिनेट हो रही है। ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हर जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। डबल बॉन्ड जहाँ पे भी होता है ये ऐसे लकीर बनी हुई होती है, ये ऐसे लकीर बनी हुई होती है डबल बॉन्ड पे, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात आ जाती है अनसैचुरेटेड पे। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? इनके अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, या कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं हम? इट्स कॉल्ड अल्कीन, ईन, वो था अल्केन, यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे ईन आ रहा है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? अल्काइन, ये आ रहा है अल्काइन। ओके, दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स। अब एक डबल, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के अंदर, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ रहा है या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एट लीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ओके, देन इनके जो जनरल फार्मूला है वो आता है सी एन, इस अल्केन का क्या आता है? अल्कीन का सी एन एच टू एन प्लस एच टू एन। ठीक है, और अल्काइन का क्या आता है? सी एन एच टू एन माइनस टू। ये कैसे पता चला? हमने एनालाइज किया, देखा क्या चीज़ कॉमन है मेट्रिक के कोर्स के अंदर, होमोलोगस सीरीज के अंदर। ये क्या है? होमोलोगस सीरीज है, अल्केन अल्काइन अल्कीन, ये होमोलोगस सीरीज, इनकी जनरल टर्म आती है, हम इसको निकालते हैं क्या, विजुलाइज करके देखते हैं क्या चीज़ कॉमन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, यहाँ पे वन प्रोपीन,
यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक इस जगह पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स हैं। तो तीनों के तीनों क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये हमारे पास था कुछ डेफिनेशन वाला काम। अब एक बात समझते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड करने की बुनियादी फ़र्क था क्या, सेचुरेटेड से क्या मुराद है, अनसेचुरेटेड से क्या मुराद है, प्रैक्टिकली हमें क्यों डिवाइड करने की नीड पड़ी। तो भाई साहब सीन क्या चल रहा है, कुछ बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो देखें सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या सीन है, हम सिंपल बेसिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक एग्जांपल लेते हैं अल्केन का। साइड वाले यहाँ पे पेजेस पे चलते हैं हम एंड इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली कि बात क्या चल रही है। अल्केन बेसिक लेते हैं हमारे पास CH4 जो कि है मीथेन। इसका अगर स्ट्रक्चर में ड्रा करूँ ये CH4 है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड। क्यों सैचुरेटेड कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझे इस बात का। अगर हमें इसके अंदर CH4 की क्लोरीनेशन करवानी है, अगर इसको हमें क्लोरीन ऐड करवाना है, क्लोरीन, अब क्या होगा, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम, कार्बन चार बना सकता है। क्यों, कार्बन की जो वैलेंसी है वो चार होती है, वो चार बाजू है इसके, चार बॉन्ड बना सकता है। अगर आपको क्लोरीन ऐड करवाना है तो क्या होगा, ये सारी सीट्स है ना वो फुल हैं, ये सीट ये सीट ये सीट, चारों की चारी सीट्स फुल हैं, आपको क्लोरीन को आके यहाँ पे बिठाना है, तो इनमें से किसी एक को आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप किसी एक को निकालोगे तभी क्लोरीन आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन इंटर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाईजान, यहाँ पे CH4 में से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या हमने कहा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मकसद क्या, एक की जगह पे दूसरा कोई आ गया। तो जहाँ पे सैचुरेटेड यानी इसके तमाम बॉन्ड्स फिल हैं, अगर किसी और चीज़ को एंटर करना है तो एक चीज़ को निकालना पड़ेगा। सैचुरेटेड मतलब पूरा भरा हुआ है, जगह पूरी भरी पड़ी है। अब इसी का ही उल्टा काम होता है अनसैचुरेटेड के अंदर। तो हम फंडामेंटल अल्कीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है C2H4। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं आपके सामने, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। अगर मुझे इसके अंदर कोई चीज ऐड करनी है, फॉर सपोज OH ऐड करना है, या हम मुझे इसके अंदर वाटर ऐड करना है, H2O ऐड करना है वाटर, या Cl ऐड करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन दो बॉन्ड, भाई कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, कार्बन यहाँ पे ऐसे भी जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में भी, कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी जुड़ा हुआ है डबल पे भी। तो इस केस के अंदर क्लोरीन को बिठाने के लिए कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कार्बन क्या करेगा, अपने इस वाले बॉन्ड को एक तोड़ेगा, और इस एक बॉन्ड तोड़ने की वजह से इस वाले कार्बन क्या होगा, इसकी चार बाजू होते हैं, ये एक बाजू यहाँ पे होगा, ये एक दो तीन चार, और ये वाला भी एक ऐसे होगा, एक दो तीन चार, समझ रहे हैं बात को। यानी कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ लेता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन जो एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, देन उसकी जगह पे क्या हो जाता है, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाता हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है यहाँ पे, इसका बीच का ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, क्योंकि इसकी जो पाई बॉन्ड की एनर्जी लेस होती है देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसकी वजह से दो नए बॉन्ड खुल जाते हैं। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितने बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे, यहाँ पे दो बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, एक इस वाले कार्बन का एक बाजू फ्री होगा, एक इस वाले का फ्री होगा, और ये एक एक इनका आपस में लॉक्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा,
इट विल वर्क लाइक दिस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्लोरीन क्लोरीन, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। तो यही हमारे पास स्ट्रक्चर था कि अनसेचुरेशन का मतलब क्या है। अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने कार्बन अटैच हैं, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, यहाँ पे बेटा दो कार्बन है सर और चार हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे पास चार हाइड्रोजन है। अब आपने इसके अंदर क्लोरीन ऐड करवा दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड करवा दिया है, तो दो क्लोरीन एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गए। क्या हमें किसी प्रीवियस एग्जिस्टिंग एटम को निकालने की नीड पड़ी? ऑब्वियसली नो। इस वाले केस के अंदर आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना था, रिमूव करने की ज़रूरत थी, बट इन दिस केस आपको किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा, आपने जस्ट एडिशन करवा दी क्लोरीन की। तो यही तो अनसेचुरेटेड है, आपके पास जगह खाली थी, आपने थोड़ा सामान इधर उधर करके रख दिया, बट यहीं पर ही अवेलेबल है एंड आपने क्लोरीन को ऐड करवा दिया। अनसेचुरेशन का मतलब आपके पास जगह होती है, जस्ट कोई चीज़ आके आप ऐड करवा देते हैं वहाँ पे, और किसी और चीज़ को निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये केस किस किस के अंदर होता है? डबल बॉन्ड्स के अंदर और ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दो यहाँ पर बाजू फ्री होते हैं, यहाँ पर एक बाजू फ्री होता है जो कि पाई होता है एंड वो निकल जाता है, और इसके बदले दो और बॉन्ड बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात समझ में आई? सो यही अनसेचुरेटेड कॉन्सेप्ट था, यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर आपने सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ा है तो डेट्स ओके, एंड वही वाला सेम टू सेम यहाँ पे भी वर्क करेगा सॉल्यूशन का, एंड इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब देखें CH4 वाले एल्केन के केस में क्या था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था। आई होप आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड पता होगा, सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये पैसिक बॉन्ड होता है, सबसे पहले दो एलिमेंट्स के बिटवीन ये बनता है, जब एक सिग्मा बन जाता है देन पाई बॉन्ड्स बनते हैं, फॉर्मेशन होती है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाई, तो इसकी वजह से ये CH4 के अंदर CH4 के रिएक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब CH4 के रिएक्शंस क्यों बहुत ज़्यादा कम होते हैं? क्योंकि पहली बात तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना, क्लोरीन को रिमूव करना पड़े, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे अटैच नहीं है, नॉर्मल केस के अंदर ये CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे पहले हमको एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये हाइड्रोजन बेचारा निकले, ठीक है, देन Cl2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा क्लोरीन क्लोरीन के अंदर, होमोलाइटिक ब्रेकेज करनी पड़ेगी इसकी, देन ये यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर हमें कोई किसी को इतना बड़ा बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ा, हमें कार्बन कार्बन के बिटवीन का बॉन्ड तोड़ना पड़ा जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं होता, और दूसरी बात तो ये पाई बॉन्ड है ना कि सिग्मा बॉन्ड है, हमें इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरी बात तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, एडिशन हो रही है, हम किसी चीज़ को बस ऐड करवा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एक को निकालना है दूसरे को ऐड करना है, तो ये थोड़ा सा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। तो डेट्स वाई जो अल्केन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिविटी होती है हाइड्रोकार्बन्स में से, सबसे ज़्यादा वीक जो होती है ना वो अल्केन्स की होती है, तो इसकी वजह से हम अल्केन्स का एक और नाम कहते हैं, अल्केन्स बड़े प्यारे नाम से मशहूर है, उनको कहते हैं पेराफिन्स, ठीक है, पेराफिन्स, ये नाम क्या है, पेरा मतलब लेस, फिन्स यानी रिएक्टिविटी, तो ये पेराफिन्स नाम ये सजेस्ट करता है कि ये जो है ना लीस्ट रिएक्टिव है, पेराफिन्स क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि भाई इनका पास सिग्मा बॉन्ड है, स्टेबल हैं, और रिएक्शन करवाने के लिए इनको पहले हाइड्रोजन को जुदा करना पड़ेगा, देन काम बनेगा, इसमें से किसी को जुदा नहीं करना, सिर्फ एक बॉन्ड ये ओवरलैप तोड़ना है बस। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में कॉन्सेप्ट। सैचुरेटेड होते हैं अल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन एंड अल्काइन्स, जहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रिपल या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।